हेलो 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 जी, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैड व्लॉग्स बाय मोहित शर्मा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जम्मू में हूँ और आज है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को जम्मू में जो जम्मू रीजन है वहाँ आज इलेक्शन है और मैं अपनी फैमिली के साथ वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। आपके यहाँ भी जब इलेक्शन हो रहे हैं आप भी प्लीज़ जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि मतदान करना हमारा अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सरकार चाहिए तो जाइए और वोट कीजिए। तो दिखाते हैं कि कैसे आज चलता है। मुझे लगता नहीं कि वहाँ फ़ोन यूज़ करने देंगे, बट जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कैप्चर करने की। और मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूँ और फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं कैप्चर करूँगा। चलिए देखते हैं कैसा जाता है ये सफ़र। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको मैं ना हल्का सा जम्मू टूर भी दे दूंगा, जिन जिन गलियों में हम जाते हैं, जिन जिन जाते थे बचपन में, जहाँ जहाँ हम घूमते थे, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा मैं वो भी आपको टूर दे दूंगा। तो बस बने रहिए, देखते रहिए हम कैसे जाते हैं वोट देने और जम्मू की अलग अलग जगहें। तो एंजॉय करिए, मिलते हैं आगे। क्या करने आए हो? हैं? आपको तो डालने भी नहीं देंगे, आपकी एज अभी छोटी है। चलो जी, जब बड़े लोग वोट देते हैं तो छोटे लोग खेलते हैं। ओए, आप वोट देने आए हो कि खेलने आए हो? खेलो खेलो खेलो। तो जी, इस तरह से है जम्मू में वोटिंग के हालात। बाज़ार सारे बंद हैं, लोग जा रहे हैं कुछ काम से, कुछ वोट डालने के लिए। ये जम्मू की एक जगह है जिसका नाम है जैन बाज़ार। यहाँ पे ज़्यादातर ज्वेलर्स का काम होता है। जैसे ये देखिए, अभी ये ज्वेलर की दुकान है, ये ज्वेलर की दुकान है, और ये यहाँ की एक मशहूर पूड़ी की दुकान है जिसका नाम है रावलपिंडी स्वीट शॉप। आप देख लीजिए, रश है आज भी। और अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं इसे लिंक रोड भी कहते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा देश को खोदा जा रहा है, जम्मू का भी वही हाल है। जम्मू में खुदाई चल रही है। कैसा लग रहा है आपको आज? वोट देने गए थे आप, मजा आया? गेम में खेल लिया आपने? श्रेय आप बताओ, श्रेय इधर देखो भाई, आप कहाँ गए थे अभी? नानी के घर चले। अबे नानी के घर नहीं, आप गए कहाँ थे अभी? वो डाली में। मजा आया? आप पहली बार गए थे ना? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। मजा आया? चलो सही। आप बोलो, सबको वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। हाँ तो बोलो, सबको ऑडियंस को बोलो, बोलो वोट डालना चाहिए। जोर अच्छे से बोलो, ऐसे बोलना, जाइए और अपना वोट डालिए। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलना, इसमें आवाज नहीं आएगी। जाइए और अपना वोट डालिए। हाँ, ये जैसे ये देखो,
वोट डालने पर ऐसी आपको वो लगाती है ना, इंक लगती है, तो जाइए और अपना वोट डालिए। तो जी हमारा वोट वगैरह डाल के हो गया है, अभी हम दोबारा घर जा रहे हैं। तो ये जो पीछे आप मेरा रास्ता देख रहे हैं उसे कहते हैं सराजा ढक्की, डोगरी में कहा जाता है सराजा दी ढक्की। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो ओल्ड जम्मू है इसके जो रास्ते हैं वो काफ़ी चढ़ान और ढलाई वाले हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, फिर वहाँ पर लोग बसे तो सड़कें बनी। अब जिस तरह से रास्ता था उसी तरह से सड़कें बनी, तो इसीलिए जो रास्ते हैं ज़्यादातर ओल्ड जम्मू में, जो जम्मू ओल्ड सिटी है उसमें ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो कहीं चढ़ान हैं, कहीं ढलान हैं, ऊबड़ खाबड़ भी हैं। तो रास्ते थे जम्मू के, हम हैं, हम आपको जम्मू के रास्ते भी दिखा रहे हैं। और अभी मैं आपको जो आगे दिखाऊंगा वो जम्मू की सबसे प्रसिद्ध, सबसे स्वादिष्ट, सबसे मज़ेदार मिठाइयों की एक दुकान है, इसका नाम है पहलवान दी हट्टी। जो जो जम्मू के लोग जम्मू के बाहर रहते हैं वो इस नाम को बिल्कुल पहचानते होंगे, इसके स्वाद को बिल्कुल पहचानते होंगे। तो जो पुख्ता, जो सबसे पुरानी दुकान है पहलवान दी हट्टी, जो जम्मू में है, मेरा घर उसी के पास है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी पहलवान दी हट्टी, ये सबसे पुरानी दुकान थी जहाँ पे पहलवान दी हट्टी शुरू हुई थी। फिर वक्त के साथ साथ लोगों की तादाद बढ़ी, उनकी भूख बढ़ी, उनकी प्यास बढ़ी, तो उन लोगों ने ये एक रेस्टोरेंट यहाँ शुरू किया है, जिसका नाम है पहलवान दी हट्टी। पीर मिठा जम्मू। तो जी ये है जम्मू में मेरा घर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर तारे बहुत हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा घर है। और ये लोग वोट डाल के आ चुके हैं। ये है जी भाई साहब, ये है जी भाभी जी, इंक 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 साला। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसे संभालने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ पर है हमारा अमर सिंह म्यूज़ियम, ये जो है ये, यहाँ पे है अमर सिंह म्यूज़ियम। ये जो भी आप पीछे देख रहे हैं ये सब जम्मू की ऐतिहासिक इमारतें हैं, यहाँ पे इनका बहुत पुराना इतिहास है, जब से जम्मू की शुरुआत हुई है तब से ये बिल्डिंगें यहाँ हैं, और सरकार कोशिश कर रही है कि इन्हें बनाए रखे। वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग के अंतर्गत ये सब आती हैं। और यहाँ पे डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी है, और ये देखिए आप पीछे। ये है जी हमारे जम्मू की, यहाँ पे हमारे राजा महाराजा जी रहते थे, ये उनकी जगह है, पुश्तैनी जगह है, ये हेरिटेज के नाम के अंदर आती है ये। तो जी ये देखिए, ये जगह इतनी मुबारक है कि इस जगह का नाम ही मुबारक मंडी रख दिया गया था। तो आप जितने भी जम्मू के लोग बाहर हैं उन सबको पता होगा कि मुबारक मंडी का यहाँ पे। ये देखिए पार्क भी है जो यहाँ पे बनाया गया है, ताकि लोग शाम को आके ऐसे मौसम में, अच्छे मौसम में, और आसपास वाले वृक्ष यहाँ लगे हुए, पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, ताकि हवा जो है वो ताज़ी बनी रहे और लोग जो है वो स्वस्थ रहें। आप सब ये भी जानते होंगे कि जम्मू को, मंदिर को शहर कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि और सर क्या चला है, ठीक हो, बात सही है, रुकावट के लिए पीछे मेरे एक और मंदिर है। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जम्मू के हर गली क्षेत्र में, हर गली कूचे मोहल्ले में मंदिर, बहुत सारे मंदिर है शहर में, तभी इस शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो
तो जी आज स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे पे सोचा कि स्पेशल नाश्ता किया जाए। तो आज हम जो नाश्ता कर रहे हैं वो है कश्मीरी रोटी और चाय। जो लोग ओह शिट, तो अभी अभी हमें पता चला है कि वो खत्म। फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो जी ये जो आपने देखा ये था आज का सारा व्लॉग। हम लोग फैमिली के साथ गए वोट डालने के लिए और बहुत मज़ा आया। बच्चे भी साथ में गए वो तो उनको भी मज़ा आया, हालांकि उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं था तो वो बाहर बैठ के झूलों को मज़ा ले रहे थे। एक्चुअली हमारे यहाँ एक स्कूल में थे जो वोटिंग जहाँ हम देने के लिए गए थे वो जगह स्कूल में थी, तो झूले वूले लगे हुए थे तो बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और उसके बाद मैंने जितना मुझसे हो सका आपको दिखाया कि जम्मू के जो मेन जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास की जो मेन मेन जगहें हैं वो मैंने आपको दिखाई। आशा है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप जानते हैं अब आपको क्या करना है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको मैड ब्लॉग्स बाय मोहित शर्मा को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जितना हो सके लोगों को कहिए कि हमारे ब्लॉग्स देखिए। और मुझसे जितनी अच्छी कोशिश हो सकेगी और अच्छी मैं करने की कोशिश करूँगा आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखा सकूँ। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में। तब तक सी या।